नव वर्ष 2023 में मिलेंगी कितनी खुशियां, नव वर्ष 2023 में करेंगे कितनी तरक्की, नव वर्ष 2023 में करेंगे कितनी कमाई, नव वर्ष 2023 में क्या पाएंगे क्या खोएंगे, देखिए सर धर्म ज्ञान पर। नमस्कार, जिम कॉर्बेट से धर्मज्ञान की खास पेशकश मूलांग भविष्यफल 2023 में आप सबका स्वागत है। मैं आपके साथ कविता राणा, मेरे साथ आचार्य मेघ शर्मा जी। धन्यवाद कविता जी, सभी दर्शकों को सादर नमस्कार और हार्दिक अभिनंदन। तो वादे के मुताबिक साल की शुरुआत से पहले हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं कि अंक शास्त्र के आधार पर ये साल जो कि केतु का साल है 2023 आप लोगों के लिए कैसा रहने वाला है। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मूलांक 8 से जुड़े जातकों के बारे में। मूलांक 8 जिनके स्वामी शनि है और ऐसे में केतु के इस साल में शनि से प्रभावित मूलांक 8 के लिए ये साल क्या कुछ कहता है। जी हाँ, इस साल आपकी हेल्थ वेल्थ पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ सब कुछ कैसा रहेगा, लाइफ कितनी स्मूथ चलने वाली है इस नव वर्ष 2023 में, सब पहलू पर हम बात करेंगे। लेकिन आइए सबसे पहले मैंग जी से मूलांक 8 से जुड़े जातकों के बारे में जानते हैं। कैसे आप पहचाने कि आपका मूलांक 8 बन रहा है और क्या खूबियां आप लोगों में देखी जाती हैं, आपका स्वभाव कैसा होता है, आइए जान लेते हैं। बताइए मैंग जी। देखिए मूलांक 8 जो है शनि से प्रभावित मूलांक है और शनि जैसे कहते हैं ना कि भाग्य विधाता है, जैसा कर्म वैसा फल, वैसे ही मूलांक 8 वाले भी होते हैं। जैसा आप इनके साथ करेंगे वैसा ही आपको उलट कर जवाब देते हैं, उलट के कार्य करते हैं। जैसी जैसे ही आप इनके साथ सोच रखेंगे, जैसे विचार शेयर करेंगे वैसे ही ये रिप्लाई करते हैं। तो दर्शकों मूलांक 8 कैसे जाने आपका है, पहली बार अगर आप चैनल पर आए हैं तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कैसे जाने कि आपका मूलांक जो है 8 है, अगर आपका जन्म किसी भी माह की 8 तारीख को, 17 तारीख को हुआ है या 26 तारीख को हुआ है तो आपका मूलांक 8 बनता है। और जिसके स्वामी शनिदेव हैं और शनिदेव के होने के कारण ये व्यक्ति जो है बड़े गंभीर स्वभाव के होते हैं कविता जी, बहुत अच्छे मिलनसार, बड़े अच्छे मित्र होते हैं। जीवन में ऊंचाइयां तो बहुत छूते हैं लेकिन एक बहुत बड़े संघर्ष के बाद इनका जीवन जो हमने देखा है 20 वर्ष लेके 40 वर्ष तक का समय इनका बड़ा संघर्षपूर्ण रहता है, लेकिन 40 के बाद ये ऐसी तरक्की करते हैं कि दुनिया हैरान हो जाती है और जीवन में उच्च पद की प्राप्ति करते हैं। यानी कि हमने देखा है कि मूलांक 8 से जो प्रभावित व्यक्ति हैं न्यायाधीश बन जाते हैं, सेना अध्यक्ष बनते हैं या क्रिकेट टीम के कप्तान बनते हैं या उच्च पद जैसे मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, राज्यपाल, राष्ट्रपति तक भी बनते देखे गए हैं। तो जब हासिल कुछ होता है तो बहुत बड़ा हासिल करते हैं लेकिन सब कुछ 40 वर्ष की आयु के बाद अधिकतर ज़्यादा ही अचीव करते हैं। तो थोड़ा सा लेजी रहते हैं, हर काम को धीरे धीरे करते हैं। शनि जैसे कहते हैं ना कि एक राशि में 2.5 वर्ष तक रहता है तो धीरे धीरे मंद गति से चलते हैं, तो ये भी थोड़ा स्लोली स्लोली अपना काम करते हैं। कभी कभी इसी वजह से कोई बड़ा काम इनके हाथ से छूटता है, तो इस चीज़ से इनको बचना चाहिए, समय पे फैसला लें तो आपके लिए बेहतर रहता है। बिल्कुल, और शनि अपनी धीमी चाल के लिए जाने जाते हैं और यही वजह है कि देखा गया है कि 8 से जुड़े जातकों को सफलता भी धीरे धीरे मिलती है, सडन ऑफ नहीं मिल पाती है। मैं जी अगर बात करें, शुरुआत यहीं से करते हैं कि हेल्थ को लेकर, तो कैसी रहेगी इस पूरे साल इनकी हेल्थ? देखिए इस पूरे वर्ष जो है इनकी सेहत काफ़ी अच्छी रहेगी, सेहत संबंधी कोई बड़ी परेशानी तो नहीं रह रही है, क्योंकि जो वर्ष का जो कहना चाहिए स्वामी है वो इनका बड़ा शत्रु है, शनि और केतु की शत्रुता रहती है जी। तो क्या हेल्थ इशू, क्या समस्या बढ़ सकती है? देखिए वैसे तो कोई बड़ी समस्या नहीं है लेकिन अगर आपको हार्ट रिलेटेड कोई समस्या है जी, या आपको जोड़ों में दर्द रहता है, नसों में दर्द रहता है, शरीर में दर्द बहुत ज़्यादा रहता है या गठिया की समस्या है तो आपको थोड़ा संभल कर चलना पड़ेगा, इस वर्ष वो बीमारी बढ़ सकती है। या कुछ जो लोग हैं उनको ऑपरेशन इत्यादि भी कराना पड़ सकता है, तो थोड़ा सा अगर इस तरह की समस्याएं हैं तभी सावधान रहने की जरूरत है, अन्यथा कोई परेशानी नहीं है। अब कौन से महीने दिक्कत पैदा कर सकते हैं? जनवरी, फरवरी, मई, जून, जुलाई और उधर नवंबर और दिसंबर, इन महीनों में ज़्यादा आपको सेहत संबंधी परेशानी या पुरानी बीमारी को उभरना, इस तरह की दिक्कतें आ सकती हैं, तो थोड़ा सा सावधान रह के चलिए, लापरवाही ना करें। अगर हम इनके रिश्तों को लेकर बात करें तो संबंधों के मामले में ये साल इनके लिए कितना खास रहने वाला है, कितने नए रिश्तों से ये जुड़ेंगे?
देखिए प्रेम संबंधों वैवाहिक जीवन उनके लिए काफी अच्छा रहेगा। विवाह की संभावना इस वर्ष में मूलांक आठ वालों की थोड़ी कम बन रही है, क्षणिक योग है यानी कि 40% ही संभावना है। लेकिन अगर किस महीने में बन सकती है तो मार्च अप्रैल का महीना है, उधर नवंबर का महीना है, इन महीनों में ही विवाह की बात आपकी बन सकती है जी। और प्रेम प्रसंग बड़े अच्छे रहेंगे और वैवाहिक जीवन अगर आप मैरिड हैं तो आपके लिए काफी अच्छा कहा जा सकता है, संतान के लिए भी ये समय काफी बेहतर रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं आपके कार्य क्षेत्र की। जी हाँ, अगर नौकरी कर रहे हैं, अपना खुद का बिजनेस है या फिर आप सोच रहे हैं कुछ नया किया जाए, तो क्या ये सही समय है आपके लिए 2023? केतु के इस साल में शनि से प्रभावित आप लोगों के लिए काम काज कैसा चलेगा इस पूरे साल, आप लोगों का तरक्की कितनी करेंगे, जान लेते हैं। देखिए मेरी राय में इस वर्ष में कोशिश ये करें मूलांक आठ वाले कि नए कार्य की शुरुआत ना करें, नौकरी में परिवर्तन कर लीजिए, बिजनेस को एक्सपेंड कर लीजिए, पर नया काम में हाथ ना डालें क्योंकि मुझे नहीं लगता कि उसमें इतनी बड़ी सफलता मिलेगी। देखिए मैं स्पष्ट बोलने वाला व्यक्ति हूँ, मैं स्पष्ट बोल के आपको खुल के बताना चाहता हूँ कि आपको कोई आर्थिक हानि ना हो, तो इसलिए इस वर्ष में कोई बड़ा बिजनेस की शुरुआत ना करें, कोई बड़ी डील ना करें तो आपके लिए उतना बेहतर नहीं रहेगा। मूलांक आठ वालों, जो आपका बिजनेस नौकरी चल रही है उसमें आप बेहतर कर सकते हैं तो वो ठीक है। नौकरी परिवर्तन भी करनी है तो फरवरी मार्च का महीना, जुलाई अगस्त सितंबर और नवंबर का महीना, इन महीनों में आपको नई नौकरी लगने के योग बन रहे हैं। लेकिन इस समय इस वर्ष में थोड़ी ज़्यादा मेहनत आपको करनी पड़ेगी, नए नए आइडियाज़ लाने पड़ेंगे आपके बिजनेस को इम्प्रूव करने के लिए। कॉम्पिटिशन इस वर्ष आपको काफ़ी अच्छा मिलेगा अपने कंपिटिटर से, कंपटीशन मिलेगा, काम अच्छा रहेगा, अच्छा करेंगे अपने कार्य क्षेत्र में। क्या लगता है धन अर्जन कितना होगा, कर्म कर रहे हैं लेकिन धन इसका प्रभाव इनके धन भाव पे कितना पड़ेगा? देखिए जैसे मैंने कहा बिजनेस तो अच्छा चलेगा, लाभ भी अच्छा ही होगा तो धन संचय भी अच्छा होगा और पैसा भी अच्छा कमाएंगे। लेकिन नए कार्य की शुरुआत आपने नहीं करनी है तो फिर पता लग रहा, बहुत से लोग क्या करते हैं कविता जी, पैसा बहुत कमा लेते हैं, करोड़ों लाखों कमा लिए, अब वो कहीं बिजनेस में लगा दिया लेकिन वो पैसा डूब गया, तो उस चीज़ से बचना है। इस चीज़ होने की बहुत बड़ी आशंका है, 80% संभावना है कि आप इस वर्ष में आर्थिक हानि संभव हो सकती है आपके कोई गलत फैसले से। तो कहीं भी पैसा निवेश ना करें, लॉटरी जुए सट्टे से बिल्कुल दूर रहें। प्रॉपर्टी लेनी है, घर लेनी है, वाहन लेना, वो एक अलग चीज़ है, वो आप ले सकते हैं। ऐसे में जी क्या कुछ उपाय है इनके लिए जो इन्हें करना चाहिए? देखिए संपूर्ण वर्ष शनि देव की आराधना करें, ओम शम शनिश्चराय नमः का जाप करें, शनि देव को सरसों का तेल, काले तिल, काले उड़द, पांच बादाम चढ़ाएं और शनिवार के दिन गरीब व्यक्ति को आप कंबल दें, जैसे सर्दियां इस समय हैं, कंबल इत्यादि दें, गर्म शर्ट दें, लेकिन ये काले या भूरे रंग का ही होना चाहिए तो बेहतर रहेगा। गरीबों को खाना खिलाएंगे, उनकी सेवा करेंगे, उनकी दुआएं लेंगे तो आपके सभी कार्य इस वर्ष में पूर्ण हो जाएंगे। चलिए तो ये थे मिस्टर मिंग जी, जिनसे मैंने जाना मूलांक आठ से जुड़े जातकों के लिए ये साल 2023 क्या कुछ लेकर आ रहा है। इसी के साथ हम दोनों को दीजिए इजाजत और आप सबको नववर्ष 2023 की ढेरों शुभकामनाएं। नमस्कार, नमस्कार।